श्री राम श्री अकाल। आप सभी का हेडलाइन भोजपुरी में स्वागत है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह का बॉस मूवी जो पूर्ण रूप से उसमें एक्शन से भरा हुआ मूवी है, ये मूवी सारे सिनेमा घरों में लग चुका है, मात्र बिहार और झारखंड छोड़। ये मूवी यूपी के बनारस यानी आनंद मंदिर सिनेमा में काफ़ी भीड़ देखा गया, इतना भीड़ देखा गया कि काफ़ी लोगों को टिकट तक नहीं मिला, ऑनलाइन उनको बुक करना पड़ा और ऑनलाइन टिकट भी बुक नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा भीड़ था और इतना ज़्यादा उसमें हाउसफुल ये मूवी चल रहा है। इस मूवी का रिव्यू के बाद किया जाए तो मैं आप सभी को इस मूवी का रिव्यू छठ बाद लेकर जरूर आऊँगा और पब्लिक से पूछा जाएगा किस तरह का ये मूवी है। जबकि मूवी की बात किया जाए तो फर्स्ट दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फर्स्ट दिन बहुत ही अच्छा मूवी हाउसफुल रहा हर जगह, यानी दिल्ली से लेकर गुजरात तक और महाराष्ट्र से लेकर यूपी बिहार और झारखंड में इस मूवी को बहुत ही जल्द छठ के पावन अवसर पर रिलीज किया जाएगा। और बात किया जाए पावर स्टार पवन सिंह के साथ अर्शिया अर्शी जो लीड रोल में नज़र आ रही हैं, बहुत ही शानदार इनका अभिनय है और एक अलग प्रकार का ये फिल्म बना हुआ है। और इस मूवी में काजल अगवानी और चांदनी सिंह ने भी काम किया है। मूवी में महेश मांजरेकर ने भी इसमें भूमिका निभाई है। बहुत ही शानदार ये मूवी है। इस मूवी को वीरू ठाकुर ने लिखा है जो एक अलग प्रकार के लेखक और यानी कहिए कहानी लिखने के लिए ये जाने जाते हैं। जबकि बात किया जाए प्रेम राय ने इस मूवी को बहुत ही बड़े बजट में यानी दो से अढ़ाई करोड़ के बजट में मूवी को बनाया गया है, जो भोजपुरी की एक बहुत ही महंगी मूवी है। और यूपी हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या दिल्ली हो, हर जगह मूवी हाउसफुल चल रहा है। ये मूवी छठ में यानी छठ के पावन अवसर पर बिहार और झारखंड में लग जाएगा, या आरा हो या छपरा हो या पटना हो, हर जगह आप इस मूवी को देख सकेंगे। आप ये मूवी देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं मैं आप सभी को बता दूं। इस मूवी में हवाई जहाज़ से लेकर बोट का यानी एक पूर्ण रूप से जिस तरह से बॉलीवुड में एक्शन दिखाया जाता है उस तरह से इस मूवी में एक्शन दिखाया गया है। आप लोग इस मूवी के देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और पवन सिंह को फाइट आप सभी को कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आप सभी को फर्स्ट अपडेट मिल जाए।